पटना के पौश इलाके में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा हुआ है। एसके पुरी थाने के तहत स्टाइल बार वेलनेस स्पा में जिस्म फरोशी का अवैध धंधा चलाया जा रहा था। पुलिस को एक खुफिया सूचना मिली थी कि स्पा में लड़के और लड़कियों का आना जाना लगा ही रहता है। इसी सूचना के आधार पर शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने वेलनेस स्पा सेंटर पर छापेमारी की है। वेलनेस स्पा सेंटर से महिला सरगना समेत कुछ सेक्स वर्कर समेत 3 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। वहीं स्पा सेंटर से पुलिस ने 2.5 लाख रुपया, 6 मोबाइल फोन, 2 स्कैनर और 2 स्वाइप मशीन बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने स्पा सेंटर से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। पुलिस को पता लगा है कि स्पा सेंटर में कस्टमर से कोडिंग के जरिए लड़कियां सौदा तय करती थी। हर काम के लिए अलग अलग रेट फिक्स था। लड़कियां कस्टमर को बॉडी टू बॉडी मसाज देने के नाम पर मोटी रकम वसूला करती थी। पुलिस ने सभी लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है। यहां काम करने वाली लड़कियां पटना की ही रहने वाली हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।